मेरा राम राम। शीतल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं और सन्ना जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, तो मैं आपको दिखाऊंगी हम क्यों जा रहे हैं। अब डॉक्टर से आके मिल के बताते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे जो है डॉक्टर बैठे डॉक्टर के पास से होके आई है और इतनी सारी दवाएं है ना अम्मा जी। डॉक्टर से होके बताए ना, समझाने की बात उसको समझना चाहिए। हमने नहीं ना समझा, सोचो इतनी ढेर सारी दवाइयाँ लानी पड़ी। एक बच्चा के लिए आपको मैं बता दूँ कि जहाँ पे भी कपड़े सुखाते हैं ना, अगर जिसके घर में वो कबूतर बैठते हैं ना, तो आप प्लीज़ 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 बच्चों के, बड़ों के भी, लेकिन बच्चे ज़रा नाजुक होते हैं ना, तो उनके कपड़े वहाँ पे सुखाने के लिए मत डालो। हमें हमारे जो जिस साइड धूप आती है ना बरामदे में, उस साइड कबूतर बैठते थे, तो सन्ना के पापा ने हमें बोल दिया था कि यहाँ पे कपड़े मत डालो मत डालो, इन्फेक्शन हो जाएगी। तो हमने नहीं ना सुना, हमने वहाँ पे कपड़े डाल दिए। तो बड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सन्ना को इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई, छोटे छोटे दाने, एलर्जी इतनी हो गई। तो डॉक्टर ने बोला ये जो कबूतर होते हैं इनकी, क्या बोलते इसको, हम तो बोलते ठीक पॉटी, इनकी जो पॉटी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, वो मतलब इतनी जल्दी इन्फेक्शन कर देती है ना। तो सन्ना की स्किन सेंसिटिव है थोड़ी, तो आप देख रहे हो इतनी सारी दवाई लाई, इतनी लानी पड़ी हमें इतनी, और वहाँ पे ठंड में रश भी था तो वेट करना पड़ा। तो प्लीज़ सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कपड़े डालो, बड़ों की बात सुनो। हाँ, बड़ों की बात सुनो, हमने वो नहीं सुना। इसके पापा ने इतना बोला था मत डालो कपड़े, हमने कहा सूख जाएंगे धूप है इस साइड, तो फिर क्या होता है। तो आप ऐसा मत करना, आप जब भी कपड़े डालोगे आप देखना कबूतर तो नहीं उस साइड बैठते। अगर कबूतर उस साइड बैठते तो आप कपड़े मत डालो, कहीं और डालो आप, या कबूतरों को ही मत दो बैठने। हमने क्या किया ना, हमने कबूतरों को दाना भी उधरी डाला, तो वो बैठते भी उधरी थे, तो क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन डॉक्टर ने बोला ये कबूतरों की इन्फेक्शन से ही हुआ है, तो उनकी जो पॉटी होती है उसी से हुआ है। तो आप दी है, आप बोला है 1.5-2 महीने तक लगातार ये दवाई जो है सन्ना को देनी पड़ेगी, तो फिर इसकी इन्फेक्शन दूर होगी। आज हफ्ता हो गया था, सन्ना कोई ठीक नहीं हो रहे थे, तो आप दिखाया, तो आप चलो ऊपर वाला करे जल्दी जल्दी सन्ना की एलर्जी ठीक हो जाए, सन्ना ठीक हो जाए। देखो कबूतरों से तो छूटे, अब पहुंचे हम कुत्तों के पास। अब हमें इधर भी डांट बजेगी, बोलेंगे अब इनकी एलर्जी लगेगी। ये भी हमने बाहर से उठा के लाए, सड़क में से, ठंड में थे तो उधर से उठा के लाए। तो देखो चलो गुन्नू है कितना प्यारा, गुन्नू क्या है, कितनी देरी मामा, आजा अच्छा 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 अच्छा, इतने कमजोर कैसे हुआ है। वो वाला कमजोर हुआ, ये वाला तो उल्टा और मोटा हुआ। इसको नहाने को हुआ है, नहाने को, इसको नहाने का। उई 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 गंदू गंदू गंदू, नाना तेरी नाने नाने है नाने के नाम से डर के दूध पीना, दूध पागल ये तो नहीं हो गया, ये फंस गई रस्सी, फंस गई रस्सी, रस्सी फंस गई। गाइस हमारे घर मामी आई है और मामा ने बोला कि हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और वो बोल रहे हैं अभी रुको एक मिनट में ग्लास लगा के आती हूँ। व्लॉग सारा खोलना होता है, सारी पोल खोलनी होती है, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देखो पीछे गाड़ी में सच में लगा रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए मामू, और वो देखो वो दिखा रहे हैं लिप ग्लॉस। उसे मामी सच में लगा रही है, इसकी मामी को लगाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही सुंदर है, फिर भी मैं लगाऊंगी। और फटे तो नहीं आ रहे हैं ना, पकड़ो ठंड बहुत है ना बदलवा में आजकल।
अरे मम्मा ऑन है ऑन है। तो अभी मेरे भाई और भाभी आए, छोटा भाई और भाभी आए, तो मैं आपको इनसे भी मिलाती हूँ। भैया को तो आपने देखा है मैच का, वो मैंने दिखाया था मैच जीत गया, ये वो वाला भाई है, तो ये मेरी छोटी भाभी है। तो भाभी को बोलूंगी सब्सक्राइब को बोल दो प्लीज मेरे चैनल को, क्या करो प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं ये। इनके चैनल को खूब सारा प्यार दें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वेलकम। अब भाई भी कुछ बोलेगा? भाई को शर्म आ रही है, देखो क्या बोलूंगा मैं। हाँ, बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वासुकीनाग जी का मंदिर है सामने, वहाँ अच्छे अच्छे व्यूज दिखाओ वहाँ से कुछ, ठीक है, और कुछ अलग सा दिखाओ ना, तब जाके सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपके चैनल को। देखा भाई, डेली का ऐसे झूठ-मूठ का क्या दिखाते हो? नहीं नहीं यार, नहीं, ये भाई मेरा चैनल का सपोर्ट कर रहा है कि क्या बोल रहा है? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ अलग सा कंटेंट। हाँ, लेकिन घर से बाहर निकलना एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ अलग दिखाऊँ, डेली रूटीन दिखाऊँ आपकी। देखो मामी ड्राइव कर रही है, अभी मामी मेरे से ले रहा गाड़ी ताकि कोई घूमने के लिए वापस आ जाए। गाइस अभी मामू जा रहे हैं वापस। अगली बार बाय। अच्छा और तीन चार चीजें बनाना, फिर हम पक्का लंच करेंगे। ठीक है, बाय बाय, राम राम। एक गाड़ी छोड़ के वो चलेगा अब।